सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। आज आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे किसी भी शीट पर लगा हुआ पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप लोग ये बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक शीट है, वैसे एक फाइल है, उस पर मैंने यहां पर दो शीटें ले रखी है और इस पर अगर आप चेक करें तो यहां पर पासवर्ड लगा हुआ है, आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इससे पासवर्ड रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप ध्यान से नोट करिएगा, वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे और आप लोग गलती कर बैठेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो अब ये देखिए, इस शीट पर तो प्रोटेक्शन लगा नहीं है, लेकिन अगर बात करें इस शीट पर तो यहां पर पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं और क्लोज करने के बाद ये है वो फाइल। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये फाइल आपकी बन जाए तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका एक्सटेंशन इसके साथ आना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को अनेबल करना होगा। तो कैसे एनेबल करेंगे, यहां देखिए व्यू के ऑप्शन पर यहां शो का एक ऑप्शन है और यहां पर फाइल नेम एक्सटेंशन आप लोगों को लाना होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर दूसरे सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे थे एनेबल एक्सटेंशन के लिए ऊपर एक टूल दिया होता है, आपने अगर देखा होगा अनेबल एक्सटेंशन कर दीजिए जहां से आप लोग इसका एक्सटेंशन ऑन करिए, बहुत जरूरी है एनेबल एक्सटेंशन को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कहीं आप लोग अपना काम खराब कर ले, इसलिए मैं आप लोग को एक सलाह दूंगा कि आप इसे कॉपी पेस्ट कर ले, यानी कि इसका डुप्लीकेट बना ले। ओके, ये बहुत जरूरी है। ओके, अगर डुप्लीकेट बना लेते हैं तो आप लोगों की फाइल खराब नहीं होगी, अगर आप पासवर्ड गलत कर देते हैं तो ये स्टेप अगर आप मिस कर रहे हैं, छोटा भी गलती कर रहे हैं तो आपकी फाइल तो नहीं जाएगी कम से कम, तो ये कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए, मैं ये फाइल जो है इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन नहीं करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं इसके ऊपर F2 प्रेस करने वाला हूं, और F2 प्रेस करने के बाद यहां पर जो इसका एक्सटेंशन लिखा हुआ है आप चेक करिए, यहां पर लिखा है XLXX, मैं इसे हटाकर सिर्फ लिख दूंगा यहां पर ZIP। ठीक है, ZIP मैंने लिख दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने ZIP लिखा, एंटर प्रेस किया, तो आप देखिए ये एक ZIP फाइल बन चुकी है, और अगर आपका ये आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आ रहा है तो उसमें भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली इस ZIP फाइल को खोलना है। ठीक है, इस ZIP फाइल के अंदर एक फाइल है, वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए, या तो आप लोगों ने ZIP फाइल में WinRAR आपके सिस्टम में डाल रखा हो, ये देखिए मेरे सिस्टम में WinRAR डाला हुआ है, आपके सिस्टम में हो सकता है WinRAR ना डाला हो, तो आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, एक्सट्रैक्ट ऑल करके, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, पहले ये वाला तरीका देख लीजिए। तो इस पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करते ही आपकी ये फाइल खुल जाएगी, और फाइल खुलते ही आप चेक करिए, यहां पर आपको एक्सेल का एक फोल्डर दिखेगा, इसे आप खोलिए। इस फोल्डर में आपको वर्कशीट नाम से एक फोल्डर दिखेगा, इसे भी आप खोल लीजिए, और उसमें जो शीट्स है वो आपको दिखाई देंगे। तो आप देखिए, मेरे पास यहां पर दो शीट्स थी, शीट 1 और शीट 2। आप जानते ही है कि शीट 1 पर अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करूंगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं शीट 2 पर। तो अगर आप शीट 2 पर क्लिक करते हैं और यहां पर कंट्रोल F करते हैं, तो यहां देखिए आपको सर्च करना है प्रोटेक्शन। जैसे ही आप प्रोटेक्शन सर्च करेंगे तो आपको कोई एक लाइन मिलेगी जहां पर प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन यही चीज अगर आप शीट 1 के साथ करेंगे तो आपको प्रोटेक्शन नाम की कोई लाइन नहीं दिखेगी। तो आप चेक करिए, यहां पर मैं अगर कंट्रोल एफ करता हूं और प्रोटेक्शन सर्च करता हूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, सिंपल सी वजह है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है दूसरी वाली शीट में, पहली वाली शीट में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको उठाना है, कॉपी करना है, कॉपी फाइल्स टू क्लिपबोर्ड करना है, और उसके बाद यहां पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, सिंपली पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद तुरंत इस फाइल को राइट क्लिक प्रेस करके आप इसे ओपन कर दीजिए, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, नोटपैड के थ्रू इसे ओपन कर लीजिए, सिंपल नोटपैड के थ्रू आप इसे ओपन करिए, और फिर से आपको कंट्रोल एफ प्रेस करके प्रोटेक्शन को सर्च करना है। तो जैसे ही आप प्रोटेक्शन सर्च करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको प्रोटेक्शन नाम से एक लाइन दिखाई दे रही है जहां पर दिखा है शीट प्रोटेक्शन। तो यहां पर एक साइन लगा हुआ है, इस साइन से पहले आपको अपना कर्जा रखना है, और ये एक लाइन पूरी की पूरी सिलेक्ट करनी है वहां तक जहां पर ये खत्म हो रहा है। तो ये लाइन पूरी जहां खत्म होगी वहीं पर आपको
वहां तक आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देखिए यहां आपकी लाइन खत्म हो रही है पूरी की पूरी और ये कोड भी बंद हो रहा है, तो आप यहां तक आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको यहां से क्या करना है, बैकस्पेस करना है और ये चीज हटा देनी है, पूरी लाइन हटा देनी है। हटाने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे। फाइल सेव करने के बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, दैट्स इट, इतना कर दिया आपने। उसके बाद वापस से वो जो एक्सटेंशन आपने, वो जो जिप फाइल थी, उसे आप ऐसे की ऐसे ओपन कर लीजिए, नीचे से ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो जिप फाइल थी आपकी, ये वाली फाइल में जो शीट टू थी, इसे आप क्या करिए, राइट क्लिक प्रेस करके इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आपने उसे ठीक कर लिया है। और ये वाली जो फाइल आपने बनाई थी, इसे आप कॉपी करिए। कॉपी करने के तुरंत बाद आप इसमें आइए और यहां पर इसे सिंपली क्या कर दीजिए, कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको इसे ऐड करना है, तो आप ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो ये फाइल ऐड हो जाएगी। अब इसे क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट, इतना करना है आपको। इतना करते ही आपको इस फाइल को भी डिलीट कर देना है, इस फाइल की अब कोई नीड नहीं है क्योंकि वो फाइल तो आपने अंदर पेस्ट कर दी है। अब आपको वापस से इस पर क्लिक करना है और F2 प्रेस करना है और यहां पर जो जिप लिखा हुआ था उसे हटाकर वापस से क्या लिख देना है, XLXX, ठीक है, जो कि एक्सेल का एक्सटेंशन होता है, तो आप इसे लिख दीजिए, एंटर मारिए और ये रिप्लेस के लिए पूछेगा, यस करिए और अब आपकी फाइल ये एक्सेल वाली वापस बन चुकी है। आप इसे एंटर करिए और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी और अब यही शीट इसमें आ रही है। आप चेक करें, शीट 1 भी है, शीट 2 भी है, दोनों है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करें कि अब इसकी फाइल में मैं एडिटिंग कर पा रहा हूं, है ना, बहुत सिंपल टेक्निक। आप देखिए फाइल में मैं एडिटिंग कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसकी दूसरी फाइल खोलता हूं जो कि मैंने इसकी कॉपी बनाई हुई थी, आप चेक करिए, ये है कॉपी वाली फाइल, तो मैंने कॉपी वाली फाइल खोली और मैं अगर इस पर लिख रहा हूं तो एडिट नहीं हो रही है, यानी पासवर्ड उसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। ये बात आप समझ चुके हैं और आपको समझ में आ गया ये कैसे हुआ। अच्छा चलिए, दूसरा तरीका भी आपको बता देते हैं यहां पर, तो वो भी तरीका एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अगर मान लीजिए ये चीज आपने करी तो थी, इसको आप डिलीट कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, मान लीजिए आपके पास वो एक्सट्रैक्टर नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस कर, पहले इसे कॉपी कर लेते हैं फिर से, मैं यहां पे कॉपी एंड देन पेस्ट कर लिया मैंने और इसकी कॉपी बन चुकी है। अब मैं इसे हटा रहा हूं और यहां पर हटाने के बाद मैं इसे नाम दे देता हूं जिप, ठीक है, तो मैंने इसे नाम दे दिया है जिप और इस फाइल को जिप नाम देने के बाद यस किया। आप देखिए जिप फाइल ये हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करके इसको कर देना है एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसे क्लिक करिए, जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे वो आपसे पूछेगा एक फोल्डर के लिए, तो आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर अगर आप चेक करें तो इसके अंदर भी वही फाइलें आ रही है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो आप जाइए इसमें एक्सेल वाले फोल्डर के अंदर, उसमें जाइए वर्कशीट वाली फाइल में। अब देखिए यहां पर आपको यह फाइल दिख रही है sheet2.xml, इस फाइल को ही आपको चेंज करना है। तो मैं अब आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, बेसिकली इसी फाइल के अंदर सारा खेल है। तो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि बाद में गलती ना हो। तो मैं इस पर कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट कर लिया और अब मैं इसे खोल रहा हूं। हाँ ठीक है, अब मैंने इसे ओपन कर लिया और अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, कंट्रोल एफ करने वाला हूं और प्रोटेक्शन को सर्च करते हैं। तो प्रोटेक्शन जैसे ही मैंने सर्च किया, देखिए मुझे प्रोटेक्शन वाली लाइन मिल गई है और अब मैं यहां पर इस लाइन को सिलेक्ट करने वाला हूं। और देखिए मैंने वहां तक सिलेक्ट किया जहां तक मैंने अभी आपको बताया था, तो यहां तक मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया और बैक स्पेस से इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे फाइल से सेव कर दिया है और ये सेव हो चुका है, ठीक है, अब प्रॉपर तरीके से काम हो चुका है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर दीजिए और अब बाहर जाइए, बाहर जाइए और अब आपको क्या करना है, वापस से इस फोल्डर को वापस से ठीक करना है। तो ठीक कैसे करेंगे, सिंपली इन सभी को सिलेक्ट करिए, अंदर जो फोल्डर के अंदर था कंटेंट, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप करिए कंप्रेस टू जिप, जिप कर दीजिए, जिप बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए। जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया इसका नाम है कंटेंट, दे दिया। अब कंटेंट तो दे दिया लेकिन इसका एक्सटेंशन भी तो हटाना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन मैंने यहां से हटाया XLXX,
हटा दिया और लगा भी दिया एक्सटेंशन जो मेरे को लगाना था एक्सेल वाला। एंटर प्रेस करेंगे, यस के लिए पूछ रहा है, यस कर दीजिए। अब ये फाइल बन चुकी है एक्सेल वाली, एंटर प्रेस करिए और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखिए आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो गई, अब आप चेक करिए कि इस पे आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ना, प्रोटेक्शन हट चुका है और आपकी दोनों फाइल बिल्कुल एज इट इज आ रही है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। तो आई थिंक सो कि ये दोनों ट्रिक्स से आपको काफी मदद मिली होगी और आपको अपनी फाइल में से लॉक हटाने का ये ट्रिक कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।